हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये जो आप सोच रहे हैं कि सामने ये क्या रखा पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये है विटामिन ई के कैप्सूल्स। इस तरह से भी मिल जाएंगे, इस तरह से भी मिल जाएंगे, किसी और फॉर्म में भी मिल जाएंगे। मेन मकसद क्या है कि विटामिन ई के कैप्सूल्स हो। अब विटामिन ई के मैं फ़ायदे बता दूँ आपको, तो इट प्रिवेंट्स फ्री रेडिकल्स, मतलब जो आपकी बॉडी में या आपकी स्किन में टॉक्सिन्स है उन उसको आपकी स्किन में से निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सन डैमेज, सन बर्न वगैरह। ऑल्सो इट विल हेल्प अगेंस्ट एजिंग, ड्राई स्किन और भी जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और किस तरह से लेनी है ये कैप्सूल, तो एक्चुअली ये खाने वाली नहीं है, ये है लगाने वाली कैप्सूल। इस तरह से विटामिन ई की कैप्सूल होंगी, अगर आप इसको पंक्चर करेंगे तो इसमें से इस तरह से ऑयल निकलेगा। निडल से किसी से भी कर सकते हैं, इस तरह का ये ऑयल होता है। ये आपके ड्राई लिप्स होंगे या ड्राई स्किन होगी, एक्नी है, एक्नी के ऊपर जो ड्राई स्किन सी बन जाती है, स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, स्पॉट्स है, तो वो सारी चीज़ों को ट्रीट करेगा। किस तरह लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है इट्स वेरी थिक फॉर यू तो आप किसी भी चीज़ में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका रेगुलर मॉइस्चराइज़र है, इफ़ यू मिक्स इट विद योर मॉइस्चराइज़र, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, वो और अच्छे से आपके स्किन पे काम करेगा इफ़ यू ऐड इन योर मॉइस्चराइज़र। या तो फिर आप एलोवेरा जेल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई इज़ रियली गुड फॉर हेयर एज वेल। ये वाली जो होती है आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आई थिंक कुछ 60 टैबलेट्स होती हैं जो आपको शायद 60 रुपीज़ में मिल जाती है, मीन्स के 1 रुपी की ईच टैबलेट, मतलब इतनी सस्ती है ये वाली। और ये वाली जो है ये मैंने फार्मेसी से ली है, इट्स कॉल्ड एवियन 400। इसमें अलग अलग यूनिट्स होती है, 200 mg वाली भी होती है, 600 mg वाली भी होती है, ये 400 mg वाली है और इसमें होती है 10 कैप्सूल्स। तो ये है 24 रुपीज़ की, आपको डिस्काउंट के बाद वो लोग 20 रुपीज़ में देते हैं ये वाला, मीन्स दिस टैबलेट इज़ 2 रुपीज़ ईच। ये वाली जो होती है दिस कॉस्ट यू लाइक 1 रुपी ईच। काम दोनों का सेम है, दोनों विटामिन ई की ही कैप्सूल्स है। ये जो इस तरह से आपके नेल्स के बाहर जो क्यूटिकल्स वगैरह बने होते हैं उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगी। आपके हेयर में प्रॉब्लम है तो इट विल रियली प्रोवाइड नरिशमेंट टू योर हेयर, तो आप अपने हेयर ऑयल में भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक हेयर ऑयल बनाया है जिसमें मैंने ये यूज़ किया है, आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई जस्ट इट विल बी समवेयर हियर ऑन द आई कार्ड। और आप अपने फेस पैक, फेस मास्क वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक फेस मास्क भी बनाया था जिसमें मैंने विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ किया है, अगेन देयर विल बी समवेयर हियर लिंक्ड, तो आप देख लीजिएगा। और ये वाली कैप्सूल है, इसको मैंने इस तरह से स्निप कर दिया है। इसका जो विटामिन ई ऑयल है दैट इज वेरी मच लाइट देन दी अदर वन। ये जो एवियन का है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में थिक है, ये वाला देख सकते हैं बिल्कुल जल्दी से स्किन में ऑब्जॉर्ब होने वाला है, इट्स नॉट रियली थिक जैसे एवियन का है। एवियन का मैं रात को लगाकर सोती हूँ अपनी स्किन पे, मतलब अपनी अंडर आइज पे और लिप्स पे, एंड इट रियली प्रोवाइड्स हाइड्रेशन, तो यू कैन यूज इट फॉर दैट पर्पज। लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग विटामिन ई मेक श्योर यू बाय समथिंग दैट इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, मतलब जिसमें विटामिन ई हो एंड इट इज़ फॉर योर स्किन टाइप। क्योंकि ऑयली स्किन वालों को लगता है कि ऑयल लगाने के बाद उनकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी एंड उनके पोर्स को ब्लॉक करेगी, तो फॉर दैट रीज़न आई थिंक यू शुड गो फॉर समथिंग दैट हैज़ विटामिन ई, बट इट शुड बी योर स्किन टाइप। सो दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट रिव्यू ऑन यूजिंग विटामिन ई के कैप्सूल्स। एक तो ये अपने घर में रख लीजिएगा ही, क्योंकि आपको बहुत हेल्प होने वाली है, बीट ड्राई स्किन हो या आपके हेयर डल हो गए हो, फॉर एनी पर्पज दिस इज़ रियली गोना हेल्प यू। सो या आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।